वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हमारे सहायक, जिसके अंदर हम लोगों ने हमारे कुछ सहायकों के बारे में पढ़ा था और उनके कार्य के बारे में समझा था। तो चलो मुझे कौन बताएगा कौन कौन से सहायक है हमारे? यस, एक किसान, लेखक, गायिका, डॉक्टर, चित्रकार, माली, रसोईया, डाकिया, धोबी, मछुआरा, सैनिक और कुम्हार। ओके, तो इतने सहायकों के बारे में हमने ये चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो अभी हम देखने वाले हैं ये चैप्टर की एक्सरसाइज। अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर कुछ वर्ड के मीनिंग दिए गए हैं, जो वर्ड के मीनिंग मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बता दिए है, पर एक बार उसको देख लेते हैं। किसान यानी खेती करने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फार्मर। लेखक यानी कहानी, नाटक आदि लिखने वाला, जिसको कहते हैं राइटर या फिर ऑथर। गायिका यानी गीत गाने वाली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंगर, फीमेल। डॉक्टर यानी इलाज करने वाला, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्टर। चित्रकार यानी चित्र बनाने वाला, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पेंटर। माली यानी बगीचे की देखभाल करने वाला, गार्डनर। रसोईया यानी भोजन पकाने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कुक। डाकिया यानी पत्र बांटने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्टमैन। धोबी कपड़ा धोने वाला, कपड़े धोने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉशरमैन। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉटर। मछुआरा यानी मछली पकड़ने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिशरमैन। सैनिक यानी सिपाही, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सोल्जर। शब्दार्थ के नीचे कुछ समानार्थी वर्ड शब्द दिए गए हैं, तो समानार्थी शब्द को देखेंगे। किसान जिसका समानार्थी शब्द है कृषक। सैनिक उसका समानार्थी शब्द है सिपाही। डॉक्टर जिसका समानार्थी शब्द है चिकित्सक। रोगी जिसका समानार्थी शब्द है मरीज। अब हम पाठ बोध की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। ये वर्ड को सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे और आपको इसको नोटबुक के अंदर लिखना है। अभी आपको इसको मेरे साथ रिपीट करना है। गायिका, चित्रकार, रसोईया, डाकिया, कुम्हार, मछुआरा। ओके, अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चन। ओरल क्वेश्चन के अंदर प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर बताओ। किसान क्या करता है? चलो कौन देगा उत्तर? किसान क्या करता है? यस, किसान खेती करता है। ख, देश की रक्षा कौन करता है? तो उत्तर आएगा देश की रक्षा सैनिक करता है। ग, चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो उत्तर आएगा चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेस थी तो इसीलिए ये आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, पर आपको ये आंसर टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं लिखने हैं, आपको नोटबुक के अंदर क्वेश्चन लिखने के बाद उसके नीचे ये आंसर लिखने हैं। जैसे हम लोग सेम 1 में लिखा करते थे, वैसे ही सेम 2 के अंदर नोटबुक में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न के अंदर क्वेश्चन 2 है, एक शब्द में उत्तर लिखो यानी 1 वर्ड में के अंदर आंसर देना है। उसके अंदर क है, बगीचे की देखभाल कौन करता है? तो कौन करता है बगीचे की देखभाल? माली। ख, गीत कौन गाता है? तो उत्तर आएगा
गायिका। ग, रोगी का इलाज कौन करता है? तो उत्तर आएगा डॉक्टर। ग, घर घर पत्र कौन पहुंचाता है? तो उत्तर आएगा डाकिया। चलो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, कौन क्या करता है लिखो। खाली जगह पढ़ाता है, ओके, यहाँ पे खाली जगह दी है और उसके सामने यहाँ पे कुछ विकल्पिक आंसर दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पे से चूज करके यहाँ पे लिखना है राइट आंसर को। तो पहले के अंदर आएगा खाली जगह पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है? अध्यापक, ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा अध्यापक। ख के अंदर है खाली जगह खेती का काम करता है, तो इसमें से कौन खेती का काम करता है? यस, किसान खेती का काम करता है, तो यहाँ पे उत्तर आएगा किसान। ग, खाली जगह मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो कौन मिट्टी के बर्तन बनाता है इनमें से? यस, कुम्हार, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे कुम्हार। ग, खाली जगह चित्र बनाता है, तो कौन चित्र बनाता है इसमें से? यस, चित्रकार चित्र बनाता है, तो यहाँ पे शब्द लिखेंगे चित्रकार। ड, खाली जगह मछलियां पकड़ता है, तो कौन मछलियां पकड़ता है? यस, क्या आएगा? मछुआरा, उत्तर आएगा मछुआरा मछलियां पकड़ता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, हाँ या नहीं में उत्तर लिखो, राइट आंसर इन यस और नो। उसके अंदर क दिया है धोबी कपड़े धोता है, चलो कौन बताएगा कि राइट है कि रॉन्ग है? धोबी कपड़े धोता है कि और कोई कपड़े धोता है? यस, कपड़े धोने का काम कौन करता है? धोबी, तो आंसर आएगा हा। किसान खेती करता है, कौन खेती करता है? किसान ही खेती करता है ना? यस, तो आंसर ये वाला सेंटेंस क्या है? राइट है, तो यहां भी हम लिखेंगे हा। फिर ग के अंदर है कुम्हार चित्र बनाता है, राइट है, कुम्हार चित्र बनाता है? नहीं, कुम्हार तो क्या बनाता है? मिट्टी के बर्तन, तो चित्र कौन बनाता है? चित्रकार, तो ये वाक्य क्या है? गलत है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। ग, सैनिक देश की रक्षा करता है, तो वाक्य क्या है? एकदम सही है, ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है लिंग बदलो, यानी चेंज द जेंडर। लेखक, तो उसका चेंज द जेंडर लिंग बदलना क्या होगा? लेखक का लेखिका। गायक, तो उसका बनेगा गायिका। माली, तो उसका बनेगा मालिन। धोबी, उसका बनेगा धोबिन, ओके। लिंग के बारे में हम सेकंड स्टैंडर्ड में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसके बारे में डिटेल में आपको समझाती नहीं हूं, ओके। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मिलान करो, यानी मैच द फॉलोइंग। उसके अंदर पिक्चर दिए गए हैं और उसके सामने उनके नाम लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है टेलर, टेलर यानी कपड़े सीने का काम कौन करता है? ये दर्जी, ओके, तो इनको मैच करेंगे हम टेलर की पिक्चर के सामने। दूसरा दिया है फिशरमैन, यानी मछली पकड़ने वाला, तो ऐसा पिक्चर कौन सा है? ये वाला, तो फिशरमैन को करेंगे ये पिक्चर के साथ मैच। उसके बाद लिखा है सिंगर, यानी गाना गाने वाला, तो कौन माइक पकड़ के गाना गा रहा है? यस, ये लड़का, तो इसको करेंगे हम इसके साथ मैच। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फार्मर, यानी खेती करने वाला, तो कौन ऐसा इंसान है जिसके सामने खेती का जिसके हाथ में खेती का सामान है? यस, ये आदमी, ओके, तो इसके साथ करेंगे हम फार्मर का मैचिंग। उसके बाद टीचर, जो क्लास में पढ़ाता है, तो ऐसा पिक्चर कौन सा है? ये वाला, तो हम ये टीचर को मैच करेंगे ये पिक्चर के साथ। उसके बाद वर्ड दिया है पोस्टमैन, ओके,
तो पोस्टमैन यानी पत्र बांटने वाला, तो ऐसा पिक्चर है ये, तो हम मैच करेंगे ये वर्ड को इसके साथ। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो, यानी राइट वन वर्ड ऑफ फॉर इच। कपड़े धोने वाला, तो कपड़ा कपड़े धोने वाले को क्या कहेंगे, धोबी। ख चित्र बनाने वाला, तो चित्र बनाने वाले को क्या कहेंगे, चित्रकार। ग बगीचे की देखभाल करने वाला, उसे क्या कहेंगे, माली। घ लकड़ी काटने वाला, ये तो हमने देखा नहीं था, तो उसका उत्तर क्या आएगा, लकड़हारा। ओके, जो यहां से यहाँ पे पहले से ही रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंदर दिया है। दिए गए चित्रों के लिए एक शब्द लिखो, यानी यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, तो वो चित्र के हिसाब से एक शब्द लिखना है। ये चित्र है एक साइंटिस्ट का, तो उसका एक शब्द आएगा वैज्ञानिक। ओके, ये है रोबोट का चित्र, तो यहाँ पे लिखेंगे यंत्र मानव या फिर रोबोट भी लिख सकते हैं। ये है क्या है, चेस खेलने वाला खिलाड़ी, तो उनके लिए वर्ड लिखेंगे खिलाड़ी। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।